अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज कैंसर के बारे में। ये इल्मे नजूम का चौथा बुर्ज है। पाइसिस और स्कॉर्पियो की तरह इस बुर्ज का अलामती निशान भी पानी है। 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान पैदा होने वाले हजरात ऐसे बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं। इस बुर्ज में सिर्फ 7 सितारे हैं। इनको मिलाने से यूनानियों ने जो शक्ल बनाई है वो बज़ाहिर ऐसे लगती है कि जैसे रस्सी पर कोई चादर सूखने के लिए डाली हुई है। इस बुर्ज का उर्दू लफ्जी तर्जमा एक बड़ी ही मौजी बीमारी है। इस बुर्ज की कुछ खसूसियात केकड़े से भी मुतल्लिक हैं, लिहाजा इस बुर्ज का अलामती निशान भी केकड़ा है। बहुत ज्यादा जज्बाती और साहिब वजदान होने की वजह से बुर्ज सरतान अफराद के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करना भी बहुत मुश्किल साबित होता है। कैंसर की बुनियादी मालूमात की अगर बात करें तो कैंसर का अंसर पानी है, ग्रुप जज्बाती है, जिस्म का अहम हिस्सा मैदा और छाती है, हाकिम सियारा कमर और मरीख है, मुआफिक धात चांदी है, जिन्स मोनस है, खुशकिस्मत अदाद इनके 2, 7, 11, 16, 25, 20 हैं। खुशकिस्मत दिन सोमवार और जुमेरात है। खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, सब्ज, जर्द और दूधिया है। खुशकिस्मत फूल इनका गुल सोसन कवल यास्मीन है और मुआफिक पत्थर मोती जमुर्द अकीक हिजरुल कमर हैं। अगर मुआफिक बुर्ज की बात करें तो टॉरस वर्गो स्कॉर्पियो और पाइसिस है। कैंसर की शख्सियात के मुस्बत पहलू देखें तो इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोगों का दिमाग शानदार हयालात से जगमगाता रहता है। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोगों में इनकसारी और मुरव्वत के जज्बात बेतहाशा पाए जाते हैं। कैंसर अफराद दूसरों के मसाइल बहुत गौर से सुनते हैं और इनके मसाइल को हल करने के लिए दुरुस्त मशवरा देने की कोशिश करते हैं। अगर इन लोगों को उस्ताद बनने का मौका मिले तो वो दूसरे उस्तादों से बेहतर उस्ताद बन सकते हैं। ये लोग बड़े ही मेहमान नवाज साबित होते हैं। अगर इनके मनफी पहलू देखें तो ये लोग बहुत ही मूडी वाकिया होते हैं और अपने मूड के मुताबिक ही आगे बढ़ते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो हर चीज को पसे पुश्त डाल देते हैं और अगर ये किसी एक चीज में नाकाम हो जाए यानी जल्द हार मान जाते हैं और उस काम को दोबारा शुरू नहीं करते। ये बहुत जज्बाती भी वाकिया होते हैं, इसलिए अपनी आदत की बिना पर नुकसान उठाते हैं। ये लोग ज्यादा वक्त तसव्वुरात में ही गुजार देते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले इतनी बार सोचते हैं कि काम का वक्त ही निकल जाता है। अगर इनकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो कैंसर अफराद बड़े ही हसास वाकिया होते हैं। ये हमेशा ऐसा साथी तलाश करते हैं जो इन्हें समझ सके। इनको बड़ी चाहत होती है कि इनका साथी सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत रखे और दूसरे के बारे में मत सोचे। दोस्त अहबाब और खानदान की अगर बात करें दोस्ती की तो दोस्तों के लिए तो अब कैंसर अफराद बड़े ही मददगार साबित हुए हैं। इनका हाथ हमेशा से ही तैयार रहता है अपने दोस्तों को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए। दोस्तों को ये हमेशा आला ही मुकाम देते हैं। अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं। ये लोग अपने बचपन के दोस्तों को कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं। अगर कैंसर के करियर की बात करें तो कैंसर अफराद जॉब को लेकर बहुत ही हसास वाकिया होते हैं। ये लोग बहुत जल्द तरक्की करना चाहते हैं। जब ये बेहतर काम कर रहे होते हैं तो इनके चेहरे चमक रहे होते हैं, इसलिए ये मजीद बेहतर काम करते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि इनका करियर शानदार तौर पर आए और आगे बढ़े, इसीलिए हर काम नुमाया ही करना चाहते हैं। अगर कैंसर मर्द के लिए हिफाजती तदाबीर देखें तो कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्दों की इब्तदाई जिंदगी का हिस्सा परेशानी में गुजर सकता है, लेकिन बकिया हिस्सा आराम और राहत में ही गुजरेगा। कैंसर के हासिद भी बहुत हैं, इसलिए एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर कैंसर खवातीन के बारे में बात करें तो कैंसर खवातीन का मूड भी कैंसर मर्दों की तरह तब्दील होता रहता है। दिन में 2 बार कम से कम इनका मूड जरूर तब्दील होता है। कैंसर खवातीन बड़ी ही वफादार साबित हुई हैं, जिससे भी मोहब्बत करती हैं उसको टूट कर चाहती हैं। इनके अंदर सब्र और तहम्मुल कम ही पाया जाता है, प्यार और मोहब्बत की पैकर होती हैं। इसके साथ ही खाने पकाने की भी माहिर होती हैं और तन्हाई में म्यूजिक से लुत्फ़अंदोज़ होना पसंद करती हैं। अपने खानदान और रिश्तेदारों के साथ खास लगाव रखती हैं। इनकी एक खासियत ये भी होती है कि हर किस्म के अफराद से घुल मिल पाते हैं। कैंसर खवातीन के लिए अगर हिफाजती तदाबीर की बात करें, कोई शख्स इसकी और इसके शोहर के दरमियान दुश्मनी करा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे मर्दों से बच कर रहें, नमाज में काहली ना करें। कैंसर खवातीन को अपना चेकअप वक्तन फवक्तन करवाते रहना चाहिए। दूसरी खवातीन के साथ लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए। आपको इस सितारे के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें।